लगा। मैं पिछले 12 वर्षों से कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज करता आया हूं, करता रहा हूं, और उससे पहले भी मैं जहां मैं जुड़ा था उस के लिए भी मैं कश्मीर आता जाता रहता था। और ये बात बहुत खुशी की बात है कि आज मैंने अपना वोट यहाँ पहले बनवाया, उसको रजिस्टर करवाया, कट गया था मेरा वोट यहाँ से। मैंने उस वोट को पिछले 1 साल पहले उसको बनाया, अपना एपिक कार्ड यहाँ से बनवाकर उसको प्राप्त किया, और उसके बाद आज मैं वोट डालने वाला आया हूँ अपने मोहल्ले में, अपने घर में। मुझे बहुत खुशी हो रही है। पैगाम क्या? ये कभी कभी क्या है कि जब आदमी को लंबा छलांग मारनी होती है ना, उस लंबे छलांग के लिए आदमी थोड़ा 2 कदम पीछे हटता है, और पीछे हटकर फिर लंबी छलांग मारता है। आगे आप देखेंगे कि उस लंबी छलांग के लिए हम 2 कदम पीछे चले हैं, लेकिन आगे जो चुनाव होंगे उनमें जरूर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे छलांग लगाएगी और आगे जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपने 3 दहाई 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव आया है कश्मीर में, आहिस्ता आहिस्ता जो बदलाव आ रहा है वो आज हमारे सामने है, और उस बदलाव की शुरुआत ये चुनाव जो है, ये पार्लियामेंट चुनाव जो है, ये बिल्कुल उस बदलाव की शुरुआत करेगा। और वोट जो है, आपने देखा पिछले दिनों यहाँ कितने बड़े बड़े जलसे हुए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने जलसे किए हैं, और उन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी बात लोगों को बताई है। ये बहुत बड़ी चेंज है, और जामा मस्जिद में भी पॉलिटिकल पार्टीज के जलसे होने, पॉलिटिकल पार्टी के जुलूस होने, पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी बात रखने का इलाकों में भी मौका मिलना, ये एक चेंज है, ये एक बदल है। और ये 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदल आया है ये उसका परिणाम है, और आप देखेंगे कि आगे चलकर कश्मीर फिर वैसा ही कश्मीर बनेगा जैसा पहला होता था।